मध्य प्रदेश के भिंड से एक तस्वीर दिखाई गई। कहा गया ईवीएम की जांच के दौरान किसी भी बटन को दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकल रही थी। इस खबर को मुख्य चुनाव अधिकारी ने खारिज कर दिया है। मशीन की जांच कर रही मुख्य चुनाव अधिकारी सलीना सिंह ने कहा है कि उन्होंने अलग अलग बटन दबाए थे और अलग अलग दलों की पर्चियां निकली थी, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक पर्ची बीजेपी के कमल का निशान, उस पर बीजेपी के प्रत्याशी का नाम और चार नंबर, यानी चार नंबर बटन दबा बीजेपी की पर्ची निकली। दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं कमल के अलावा कांग्रेस का हाथ का निशान वहां पर दिख रहा है चुनाव चिन्ह, और एक नंबर लिखा है और ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम है, यानी एक नंबर बटन दबाने पर कांग्रेस का की पर्ची निकली। दो अलग अलग पर्ची निकली है, यह साफ इस तस्वीर में दिख रहा है। सलीना सिंह ने साफ किया है कि मशीन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। आप सुनिए केजरीवाल साहब सोशल मीडिया पर घूमते एक वीडियो को देखते हैं और कैसे गंभीर आरोप लगाते हैं। कि कांग्रेस का बटन दबाया था तब भी बीजेपी की चिट निकली, फिर दो नंबर दबाया वो हाथी था बीएसपी का, उस पे भी कमल की चिट निकली। तो मतलब जो भी बटन मशीन में दबा रहे थे सारे कमल का निशान आ रहा था उस पे। कल का ये जो इंसिडेंट है ये एक तरह से रोंगटे खड़े कर देता है कि क्या इस देश के अंदर अब चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, अब लोग वोट डाल रहे हैं कि मशीनें वोट डाल रही हैं। उस डेमो के दौरान जो वीवीपैट में प्रथम बार दबाने पर लोटस का सिंबल आया, परंतु द्वितीय बार दबाने पर उस पर हाथ पंजे का सिंबल आया, इसे बाद में किस तरह का रूप दिया गया, रुख दिया गया, किसी आई थिंक सम किसी एलिमेंट्स ने इसे अलग नज़रिए में दिखाने का प्रयास किया, परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि हमारे जो ईवीएम्स हैं, हमारे जो वीवीपैट्स हैं वो सुरक्षित हैं, टैम्पर प्रूफ हैं, वो किसी फैक्ट्री से सीधे हमारे यहाँ नहीं आ रहे, वो पूर्व में अन्य राज्यों में भी प्रयोग हुए हैं।